अग्रसेन एक महान भारतीय राजा थे जिन्होंने अग्रवाल और आगराहारी समुदायों के वंशों का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें उत्तर भारत में व्यापारियों के नाम पर अग्रोहा का श्रेय दिया जाता है और यज्ञों में जानवरों को मारने से इनकार करते हुए उनकी करुणा के लिए जाना जाता है। महाराजा अग्रसेन का जन्म अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हुआ, जिसे अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन को अग्रसेन महाराज की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अग्रसेन जयंती पर अग्रसेन के वंशज समुदाय द्वारा अग्रसेन महाराज की भव्य झांकी व शोभा यात्रा निकाली जाती है और अग्रसेन महाराज का पूजन पाठ आरती किया जाता है। 1976 में भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। अग्रसेन सौर वंश के एक वैश्य राजा थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए वनिका धर्म को अपनाया था। वस्तुतः अग्रवाल का अर्थ है अग्रसेन के बच्चों या अग्रसेन के लोग। हरियाणा क्षेत्र के हिसार के पास प्राचीन कुरु पंचला में एक शहर जिसे अग्रसेन ने स्थापित किया था। महाराजा अग्रसेन महावीर महाकाव्य युग में द्वापर युग के अंतिम चरण के दौरान पैदा हुए सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे। वह भगवान कृष्ण के समकालीन थे। वह सूर्यवंशी राजा मंधाता के वंशज थे। राजा मंधाता के दो पुत्र थे, गुणाधि और मोहन। अग्रसेन प्रतापनगर के मोहन के वंशज राजा वल्लभ के सबसे बड़े बेटे थे। अग्रसेन के 18 बच्चे हैं, जिनसे अग्रवाल गोत्र अस्तित्व में आया। अग्रसेन ने राजा नागराज कुमुद की बेटी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। हालांकि इंद्र स्वर्ग के परमेश्वर और तूफान और वर्षा के स्वामी भी माधवी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने पति के रूप में अग्रसेन को चुना। इंद्र ने यह सुनिश्चित करके बदला लेने का फैसला किया कि प्रताप नगर को बारिश नहीं मिली। नतीजन एक अकाल ने अग्रसेन के राज्य को मारा, जिसने तब इंद्र के खिलाफ युद्ध लड़ने का फैसला किया। नारद ऋषि को मध्यस्थ बनाकर दोनों के बीच सुलह भी हो गई। अग्रसेन ने आगरा शहर में शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू की। शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर और देवी को प्रसन्न करने की सलाह दी। अग्रसेन ने महालक्ष्मी पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया, जो उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। महाराज अग्रसेन ने अपने लोगों की समृद्धि के लिए, व्यवसाय की परंपरा के लिए, वैश्य समुदाय शुरू करने के लिए अग्रसेन राजा का आग्रह किया। उसने उनसे एक नया राज्य स्थापित करने के लिए कहा और वादा किया कि वह अपने वंश को समृद्धि के साथ आशीर्वाद देगी। उसने यह भी कहा कि उसके राज्य में धन की कमी नहीं होगी। एक नए राज्य के लिए जगह चुनने के लिए अग्रसेन ने अपनी रानी के साथ पूरे भारत में यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान एक समय में उन्हें कुछ बाघ शावक और भेड़िया शावकों को एक साथ देखे। राजा अग्रसेन और रानी माधवी के लिए यह एक शुभ संकेत था कि क्षेत्र वीरा भूमि थी और उन्होंने उस स्थान पर अपना नया राज्य पाया। जगह का नाम अग्रो था। अग्रोहा वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार के पास स्थित है। वर्तमान में अग्रोहा कृषि के पवित्र स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें अग्रसेन और वैष्णो देवी का एक बड़ा मंदिर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।